हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा, श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, जो वायु होती है जो हम सांस लेते हैं वो किस किस ऑर्गन से होके फेफड़े में पहुंचती है, ये हम देखे थे। आज उसके इंटरनल पार्ट को और डीपली देखेंगे कि किस प्रकार से हमें एटीपी मिलता है, किस प्रकार से कोशिकाओं में किस प्रकार से रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है इन दोनों का एक्सचेंज होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जैसे कि चित्र में आप देख लीजिए, ये हमारा नासा गुहा है यानी कि नेजल चैम्बर, ये लिखा है, इसको नेजल चैम्बर बोलते हैं इस वाले पोर्शन को। इसके बाद ये पोर्शन हमारा आता है ग्रसनी का, जहाँ पे भोजन और सांस लेने का रास्ता एक होता है। यहीं पे एक ढक्कन पाया जाता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। उसके नीचे और जाते हैं तो फिर ये जो श्वास नली होती है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ये श्वास नली है इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। फिर श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है, एक हमारे दाहिने फेफड़े में जाती है और एक हमारे बाएं फेफड़े में जाती है। फिर ये ट्रैकिया दो तीन भागों में, मतलब और जैसे वृक्ष की टहनी होती है उस तरह से और भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियोल्स या श्वसनिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे बढ़ जाएगी, इसके बाद फिर ये और आगे भागों में डिवाइड हो जाती है। और जो हमारा लंग्स होता है ये ऊपर से रिब्स के से चारों ओर से बंधा हुआ होता है, और रिब्स से इसको सुरक्षा प्रदान होती है, सुरक्षा मिलता है। और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है हमारे लंग्स के ऊपर, उसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं, ठीक। तो इतना हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, अब हम आगे शुरू करते हैं उसके आगे का। तो सबसे पहले देखते हैं श्वसन क्या चीज है। तो श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब जारण, मतलब वो जलता है, जैसे पेट्रोल वगैरह जलता है ईंधन के रूप में तो हमें ऊर्जा मिलती है, तो वैसे जो हमारा ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऊर्जा विमुक्त होती है, मतलब ऊर्जा निकलती है, और इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एटीपी के विघटन से प्राप्त होती है, और एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटी का रूपांतरण एडीपी तथा फास्फोरिक अम्ल में हो जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है। और ये जो एटीपी हमारा होता है, ये एटीपी जल अपघटन द्वारा, मतलब जल से मिलकर एक एडीपी बनाता है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाता है, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाई फास्फेट। ट्राई फास्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डाई फास्फेट में, और फास्फोरिक अम्ल भी देता है, बनता है, ठीक है। तो दो चीज़ें बनती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और शरीर के मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो जो हम कोई काम करते हैं या मेहनत करते हैं तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो इसी प्रक्रिया से ऊर्जा मिलती है, जो एटीपी होता है यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है। अब हम आगे देखते हैं, श्वसन की क्रिया तीन चरणों में पूर्ण होती है। तो कौन कौन से इसके चरण हैं? नंबर एक पे है बाह्य श्वसन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल
एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और नंबर दो में है गैसों का परिवहन, जिसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और तीसरा है आंतरिक श्वसन, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। हम अपने पढ़ाई की सुविधा के अनुसार इसको तीन भागों में डिवाइड कर लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन, यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की, कि बाह्य श्वसन क्या होता है। तो बाह्य श्वसन में जो बाह्य वातावरण तथा जीवों के मध्य श्वसन अंगों द्वारा गैसों का विनिमय बाह्य श्वसन कहलाता है। जैसे हम हैं या कोई भी जीव है, वो बाहर से वायु को अपने अंदर जो ग्रहण करता है, लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बाह्य श्वसन बोलते हैं। हम बाहर से क्या लेते हैं, हम बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम वायु को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि नाक के द्वारा हम बाहर से क्या लेते हैं, और ऑप्शन में आ जाए वायु ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं होगा, हम वायु को लेते हैं। ऑक्सीजन तो हमारे लंग्स में जाके, फेफड़े में जाके सबसे लास्ट में जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। लेकिन जो हम वातावरण से डायरेक्ट लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो वायु लेते हैं। तो वही जो वायु को हम लेते हैं और या कोई जीव लेता, तो उसी को हम वाह्य श्वसन बोलते हैं। आगे देखते हैं, वाह्य श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से उत्सर्जन होता है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं या वायु को अंदर लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो अंदर जाती है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं सांस को, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, गैसों का यह विनिमय फेफड़ों के वायु कोष, फेफड़े में छोटे छोटे एयर सैक पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्बुलाई, ठीक है। तो उसी की बात है कि विनिमय फेफड़ों के वायु कोष तथा रक्त के बीच में सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है, अतः इसे फुफ्फुस श्वसन या पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी कहते हैं। क्योंकि फेफड़े के जो एल्बुलाई होते हैं, जो एयर सैक होते हैं, वहीं पे जो हमारा रक्त होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े के एल्बुलाई यानी कि एयर सैक में छोड़ता है। आगे देखते हैं, वातावरण से ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में लगभग 16% ऑक्सीजन होता है और लगभग 3.6% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब जो सांस हम लेते हैं, तो लेते समय जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहती है, लेकिन जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है। आगे देखते हैं, बाह्य श्वसन दो चरणों में पूरा होता है, एक श्वासोच्छ्वास जिसको कहते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, दूसरा गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहला चरण हम देखते हैं श्वासोच्छ्वास का, या जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। तो श्वसन मार्ग में इसको देखते हैं, ब्रीदिंग को, श्वसन मार्ग में वायु का प्रवेश करना तथा निकालना श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आता है, और यह क्रिया दो अवस्थाओं में पूरी होती है, नंबर एक निःश्वसन, नंबर दो उच्छ्वास, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन। तो इंस्पायरेशन जो होता है, जो सांस हम अंदर खींचते हैं, मतलब फेफड़े में डालते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जो श्वास हम बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक। अब आगे देखते हैं, इंस्पायरेशन क्या है, यानी कि निःश्वसन। तो वातावरण से वायु का शरीर के भीतर प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन के दौरान पसलियों के बीच स्थित बाह्य अंतरापर्श पेशियां, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, सिकुड़ती हैं, और पसलियां व स्टर्नम ऊपर की ओर खींचते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है।
डायफ्राम की रेडियल पेशियों के सिकुड़ने से डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और दबाव कम हो जाता है। मतलब जब हम अंदर सांस खींचते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है, जहाँ पे लंग्स होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए बढ़ जाता है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सांस या वायु ऑक्सीजन ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है। आगे देखते हैं, इस प्रकार वायु नाक, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस और ब्रोंकियोल से होते हुए फेफड़ों में पहुंचती है। ठीक है, ये सब रास्ते तो हम नेक्स्ट पिछले वीडियो में बता ही दिए थे, तो आप लोगों को पता होगा। नाक तो पता ही है, नेजल चैम्बर ये जो नासा गुहा होता है, नेजोफेरिंग्स ये नासा गुहा के आगे का जो फेरिंग्स का पार्ट है, और ट्रेकिया श्वास नली जब दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दोनों फेफड़ों में जाती है, उसको ट्रेकिया बोलते हैं। फिर उसके आगे का जो ब्रांच होता है उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं, और सबसे लास्ट की जो होता है जिससे एल्वुलाई लगे हुए होते हैं, उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो इन सबसे वायु होते हुए हमारे फेफड़ों में पहुँचती है, और बाहर से आई हुई वायु तथा फेफड़ों के वायु कोष्ठकों यानी कि एल्वुलाई के मध्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन देखते हैं, उच्छ्वास जिसको बोलते हैं। तो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। उच्छ्वास में आंतरिक अंतरापार्श्व पेशियां सिकुड़ जाती हैं, और फलतः डायाफ्राम गुंबदाकार हो जाता है, जिससे प्लूरल गुहा का आयतन कम हो जाता है, और जिससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, और फेफड़े सिकुड़कर अपने अंदर की वायु को समान पथ से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है वो सिकुड़ता है, उस पर दबाव बनाता है, जिससे अंदर की वायु अधिक से अधिक हम बाहर करते हैं। ठीक है, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारा फेफड़ा या लंग्स या डायफ्राम फैलता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम वायु लेते हैं, लेकिन जब वायु छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ता है। ठीक, इतना चीज़ याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं गैसों का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर बात करें तो श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत ली गई वायु फेफड़ों के वायु कोष्ठकों जिसको बोलते हैं एल्वुलाई में पहुंचती है। ये एल्वुलाई ये वही वाला है जिसको बोलते हैं हम श्वसन तंत्र की इकाई या लंग्स की सबसे छोटी जो पार्ट है, जहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, वो यही है वायु कोष्ठिका या एल्वुलाई। तो वायु कोष्ठकों के चारों ओर महीन रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। मतलब लाखों असंख्य एल्वुलाई हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, और उनके चारों ओर रक्त कोशिकाओं का महीन महीन एकदम जाल फैला होता है, जिससे क्या होता है, उनकी दीवारें सटी हुई होती हैं, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। और वायु कोष्ठकों में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन का दबाव अधिक होने के कारण यह ऑक्सीजन सिराओं के रुधिर में पहुंच जाती है, और सिराओं में मौजूद अशुद्ध रक्त के कारण इसकी कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठकों की वायु में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का एक्सचेंज यहाँ पे होता है। आगे देखते हैं गैसों का परिवहन, मतलब पूरे बॉडी में गैस कैसे पहुँचती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो ऑक्सीजन का फेफड़ों से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचना तथा इन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों में पहुँचना ही गैसों का परिवहन कहलाता है। यह गैसें यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के साथ मिश्रित होकर परिवहन करती हैं। मतलब गैसें डायरेक्ट पूरे बॉडी में नहीं दौड़ती हैं या नहीं रन करती हैं, गैस को पहुंचाने के लिए क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड के साथ मिलकर या ब्लड में घुल के कह सकते हैं हमारे पूरे अंगों तक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं
ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मनुष्य के शरीर में लगभग 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी यानी कि रक्त की लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वहां से ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करती हैं। तो देखते हैं आरबीसी, यहाँ से पढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में लगभग 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी में पाए जाने वाले श्वसन रंजक या श्वसन रंगक हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। आप लोग पढ़े ही होंगे, ज़्यादातर जानते होंगे कि जो हमारा रक्त होता है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, यही ऑक्सीजन को बांध कर उसका परिवहन कराता है। और शेष 1.5% ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। तो रुधिर में अगर हम डिवाइड करें, रुधिर पढ़ें, तो रुधिर में दो पार्ट होते हैं, एक आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह जो जिसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, दूसरा पार्ट होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से कितना परिवहन होता है 1.5%, और हीमोग्लोबिन या आरबीसी से कितना होता है 98.5% आरबीसी से। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो परिवहन गैसों का होता है वो आरबीसी से होता है, और आरबीसी में भी किससे, हीमोग्लोबिन से। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थाई यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको जरूर याद रखिएगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, ठीक है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग लाल चमकदार होता है। यही कारण है कि ऑक्सीजन शुद्ध रक्त चमकीला लाल होता है, ऑक्सीकृत शुद्ध जो मतलब शुद्ध रक्त जो होता है वह चमकीला लाल होता है, और अशुद्ध रक्त का रंग बैंगनी कलर का होता है। मतलब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं, तो इसका कलर लाल चटकीला होता है, लेकिन अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो वह फिर इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त होता है जिसका कलर क्या होता है, बैंगनी होता है। और एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत रूप से 15 ग्राम पर 100 ml होती है। कितना होती है, 15 ग्राम पर 100 ml। ये क्वेश्चन पिछली बार TGT में पूछा गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना के देता है, 100 की जगह वह 1000 लिख देगा, ml की जगह कुछ और यूनिट दे देगा, या इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक सामान्य मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कितना होती है, 15 ग्राम पर 100 ml होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे का, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, अभी तो हमने देखा ऑक्सीजन का परिवहन, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में जल में अधिक विलेय का मतलब घुलनशील होता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन ऑक्सीजन परिवहन की अपेक्षा सरल होता है। मतलब जितना आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है उससे थोड़ा कठिन होता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलेय होता है इसलिए इसका परिवहन ज़्यादा आसानी से होता है। और इसका परिवहन कैसे कैसे होता है, तो तीन माध्यम से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तीन माध्यम से होता है, कौन कौन से, एक प्लाज्मा में घुलकर बाय डिजॉल्विंग इन प्लाज्मा, दूसरा बाइकार्बोनेट के रूप में एज बाइकार्बोनेट्स, तीसरा कार्बोमिनो यौगिक के रूप में एज कार्बोमिनो कंपाउंड्स के रूप में, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे, प्लाज्मा में घुल के बाइकार्बोनेट्स के रूप में और कार्बोमिनो यौगिक के रूप में इनका परिवहन होता है। अब लास्ट हम देख रहे हैं इसका कि आंतरिक या कोशिकीय श्वसन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन बोलेंगे।
आंतरिक श्वसन से तात्पर्य मानव शरीर के अंतर्गत रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय से है, क्योंकि यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आंतरिक श्वसन में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। नंबर एक में है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। ठीक है, तो रुधिर परिसंचरण के माध्यम से ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है और मुक्त हुई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपयोग कर ली जाती है। मतलब जो हमारी एल्बुलाई होती है वायु कोष्ठिका, वहाँ से तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ब्लड में ऑक्सीजन पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है वह ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है कोशिकाओं में पहुँचकर, तभी ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से टूटकर वो कोशिकाओं में उपयोग की जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण उपर्युक्त प्रक्रिया में, मतलब अभी जो ऑक्सीजन का विघटन होता है इस प्रक्रिया में जो मुक्त हुई ऑक्सीजन रहती है तथा अनेक एंजाइमों की सहायता से कोशिका के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकांड्रिया में विभिन्न खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तथा ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा शरीर की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। मतलब कि जो कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है और माइटोकांड्रिया, इसके अंदर ऑक्सीजन का विघटन होता है और कई एंजाइम जिसमें भाग लेते हैं और जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और जिससे उसी ऊर्जा से हम कोई भी काम कर पाते हैं, चाहे मांसपेशियों का काम हो, चाहे कोई भी काम, हमें ऊर्जा की जो ज़रूरत पड़ती है वो कोशिकीय श्वसन से मिलती है इस तरह से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। अब यहाँ पे हमारा श्वसन तंत्र का टॉपिक ये समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे और आप लोग अच्छे से इसको एक दो बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। धन्यवाद।